हाल ही में कड़कड़डूमा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ईस्ट दिल्ली ब्रांच के ऑडिटोरियम में ददीजी देहदान समिति ने कैंसर पीड़ितों के लिए एक अनोखे पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने 12 इंच तक के लंबे बाल कटवा कर दान दिया। आपको बता दें कि स्कूली छात्राएं श्रेया, एंजल और मीरा ने अपनी दादी को याद करते हुए अपने केश दान दिया। अपने केश दान कर बड़ी मिसाल कायम करी। इस अभियान से कैंसर पीड़ित महिलाओं को नया जीवन मिलेगा। मतलब ये कि इन बालों से पीड़ितों के लिए विग तैयार की जाएगी। साथ ही लोगों को बताया कि केश दान करने से कोई शारीरिक हानि नहीं होती। बाल दान करने से इनसे विग बनेगा और जो महिलाएं कीमोथेरेपी से वंचित हो जाती हैं उनको स्वस्थ रूप से काम करने के लिए जाने का मौका मिलेगा। एम्बेरसमेंट नहीं, वहाँ से ये शुरू हुआ। सर, लोगों को और आप क्या बताना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अपनी मृत्यु के बाद में अपना पूरा शरीर दान करो, अपनी आँखें और बाकी अंगों का दान करो, अपनी स्किन और बोन्स का दान करो। मृत्यु के बाद जो चीज़ मिट्टी हो जाती है उसको जलाने से क्या फ़ायदा है? हाँ सर, ये बताइए कि आज 3 बच्चों ने यहाँ पर अपने बाल दान दिए हैं, क्या इसमें पेरेंट्स की भी सहमति है या नहीं? इसके बगैर कैसे होता है कि माँ पीछे खड़ी है सबके बारी बारी और सब कुछ करवा रही है? सर, आगे भी इस कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। बिल्कुल, हम इस मामले को इसकी पूर्णता तक लेके जाएंगे। इस मौके पर पूर्व महापौर हर्षदीप मल्होत्रा, महेश पंत, सुधीर गुप्ता, वीके शर्मा और डॉक्टर वीके मोंगा मौजूद थे। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए बोल बिंदास।